हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। और आज है संडे, तो वेलकम टू और न्यू व्लॉग। और काफ़ी दिन से हम लोग व्लॉग नहीं बना पा रहे थे। व्लॉग क्या बनाना कि मतलब कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, ये बस बैंक जाना और दिमाग में टेंशन, हैक्टिक, इतना ज़्यादा काम करना इधर उधर और बहुत सारी चीज़ें थी। तो आज जो हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो पाए हैं, रिलैक्स किया हुए हैं, संडे है, रिलैक्स होना शुरू करेंगे, ख़त्म हो जाएगा संडे। तो उसके लिए भी हम कुछ ही नहीं कर सकते क्योंकि संडे होता ही इतना छोटा सा है, इतू सा। और क्या कहते हैं कि आज संडे है तो आज हम लोग बहुत देर तक सोए हैं। और रात में लाइट ना उसने क्या नौटंकी करी है, फुल एक्टिंग करी है भाई। मतलब ऐसे आ रही जा रही, आ रही जा रही, और उसके बाद आने जाने तो छोड़ो, और जब आ रही तब भी उसमें भी बहुत बेहतरीन नौटंकी। उसमें ऐसे वोल्टेज कम हो रही, ज़्यादा हो रही, एसी एसी चल रही थी और उसकी जो लाइट है वो टेम्परेचर वाली लुप 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 ऐसे कर रही थी। तो खैर, जब मैं सोता हूँ तो घोड़े बेच के सोता हूँ, कुंभकर्ण के जैसे सोता हूँ, और ये बार बार उठ रही थी रात में, एसी बंद किया, फ्रिज बंद किया, दुनिया भर की चीज़ें। मुझे तो होश ही नहीं था, सुबह उठ के मेरी कहानी सारी बताई तो मुझे ये पता चला। बाकी और तो और सोचो, पता नहीं 5 बजे कोई वो अलार्म बजा गया। अलार्म क्या, वो घंटी, डोरबेल, घंटी डोरबेल बजा गया। मुझे वो भी नहीं पता है। तो घोड़े बच्चे सोते हैं। गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। और वैसे आज संडे है पर हमारा वीडियो मंडे को आएगा क्योंकि संडे को तो आपके लिए Q&A आता है। ये हम लोग एक दिन लेट ही तो बनाते हैं वीडियो। तो अभी उठ गए हैं और बज रहे हैं अभी 10:30, 9:30 बज गए हैं। तभी वो भी आज बड़ी मुश्किल से उठे हैं, इनके आगे दर्द है। ये भी हो रहा है कि बनेगा क्या नाश्ते हैं। और तो डिसाइड नहीं हो पा आज रहा, हम कह रहे हैं कि जब ये बना देता है तो कह रहे हैं नहीं, अब इनका खाने का मन है कुछ टेस्टी, जैसे कि कटलेट जो मम्मी बनाती हैं घर में कानपुर में, देखते हैं अभी वो भी तो बन पाता ही वो नहीं बन मुझे मम्मी पाता। से पूछ के बनाना पड़ेगा। उसमें मैं बना दूंगा, मैं मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है, मैं मास्टर हूँ, मास्टर। और वो क्या कहते हैं, और आज संडे को बनने खाना बनने का ये था कि आज वो क्या कहते हैं कि इतनी इतनी सारी चीजें हाँ, डिसाइड करी थी कि आज बैगन का बनेगा। भरता पराठा बनेगा, वो नहीं बना, और बाटी चोखा बनेगा, वो नहीं बना, और क्या क्या था, एक चीज कुछ और थी। कोफ्ता था, वो नहीं बना, हाँ तो देखो, भरता बनाने के लिए बैंगन चाहिए, जो कि है ठीक है, नहीं, वो तुम लाए नहीं। कोफ्ता बनाने के लिए लौकी चाहिए, वो भी तुम वो भी नहीं नहीं लेकर लाए आए। चोखा ना बनाने के लिए भी बैंगन चाहिए, वो तुम नहीं ना लाए ना हो। ना, लहसुन सब चाहिए, मेरी टमाटर गलती है। चाहिए, सब ओहो, तुम्हारी गलती, सब सब, तुम्हारी आई है। एम सो सॉरी, मैं सब गलत बता रहा था। तो चलिए अभी देखते हैं। और हाँ, और आटे के लड्डू बनने थे और सूजी के लड्डू बनने थे कुछ लोगों के, और नमकीन तो मेरे ख्याल से हफ्तों से बन रही है। अरे तो दिन कौन सा खत्म हो गया, अभी शुरू हुआ है, हम लोग सो के उठे हैं, बन जाएगा शाम तक। घंटा देखते हैं अभी क्या बनता है। अभी आपको पूरे दिन दिखाएंगे, ये ब्लॉग बहुत बड़ा होगा कि मतलब क्या क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, पूरे 15-20 मिनट का ब्लॉग बनाएंगे यार। तो आज हमारी सवारी पता है किससे आ रही है, ये मैंने स्कूटी भैया से अभी स्कूटी ले ली। और हाँ, एक चीज आपको और बताते हैं, और झोला भी ले लिया हमने क्योंकि पॉलीथीन बंद हो गई है, सिंगल यूज पॉलीथीन मतलब। और बिल्कुल अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, तो पन्नी बिल्कुल ना लाए, लाएं क्या, मिलेगी नहीं। अब जो रखेगा उसको जुर्माना एंड पैसे और जेल सारी चीजें हो जाएंगी, तो बहुत डर के काम करना है। डर के नहीं यार, ये जिम्मेदारी समझ के काम करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। तो फिर वे चलते हैं, स्कूटी का मजा लेते हैं फिर। ये देखिए, स्कूटी पे हैं एकदम तैयार निकलने के लिए, अपनी बुलेट सही नहीं करा रहे हैं, सड़ रही है बेचारी। वाह हो यार, तुम्हें रेड पे रेड पहना है। ये तो निकल चुके हैं स्कूटी पे, आज बहुत मजा आ रहा है स्कूटी चलाने। इतने दिन बाद निकले हैं, ऐसे रोज कार से घूमते रहते हैं, ज्यादा मजा आ रही है, पर धूप भी हो रही है काफी। तो फिर हम लोग चलते हैं, इसको सामान लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी सी देर में। अभी खरीदी जा रही है यहाँ पे सब्जी, वो भी भरते के लिए, बैंगन का भरता बनने वाला है, तो यहाँ पे सब्जी खरीदी जा रही है, आलू, प्याज, टमाटर, बैंगन। तो हम लोग ने अपने झींगा लाला की दुकान से फाइनली नाश्ता ले लिया, तो अब घर जाके नहीं बनाना पड़ेगा। आई एम सो हैप्पी। तो ये है हमारा नाश्ता, तभी हम लोग चलते हैं, देखिए स्कूटी पर तैयार हैं, तो हम लोग चलते हैं जल्दी से और घर चल के नाश्ता करते हैं। तो हम लोग आ गए हैं ढेर सारा नाश्ता लेके, ढेर सारा नहीं थोड़ा सा है, तो बहुत मजा आने वाली है क्योंकि हम तो इसलिए खुश हैं कि बनाना नहीं पड़ेगा। अभी इसकी क्वांटिटी बताएंगे तो मजा ही आ जाएगी आप लोगों को।
हम लोग लेकर आए हैं, अभी नहीं, अभी इसको हम लोग ओपन करेंगे तब देखेंगे हम लोग क्या क्या लेके आए हैं। तो जल्दी से एसी चलाते हैं और फिर आपको अपना नाश्ता दिखाते हैं। टेस्टी टेस्टी सैंडविच, ये ओपन हो चुकी है हमारा पिटारा, और इस पिटारे में है प्याज की कचौड़ी। अरे अरे अरे, पागल लगा लो भी। वाओ वाओ, अगर आपके मुंह में पानी आ रहा है इसको देख के तो आई एम सो सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते। और इसमें है, इसको एक ही साथ रख दो, इसको निकाल लो। तो इसमें निकली है झींगा लाला की जलेबी जो कि है 100 ग्राम। देखने में ज्यादा लग रही है लेकिन ना, हाँ पतली पतली है ना, ज्यादा चढ़ती है। पहले हम 100 ग्राम 200 ग्राम अकेले खाया करते थे। और ये है मेरा सैंडविच जो कि बेचारा इसमें टेढ़ा मेढ़ा हो गया। और साथ में मिली है सॉस। वाह, इतना सारा नाश्ता हो गया है और मुझे बनाया भी नहीं पड़ा, तो अभी चलते हैं जल्दी से नाश्ता करते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। थोड़ी देर बाद। आज हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो चुका है। हम लोगों ने दिन में व्लॉग बनाया और उसमें 3 वीडियोस बनाई, 3 वीडियोस में आवाज़ ही नहीं है क्योंकि हम माइक लगाए थे और माइक पता नहीं कहाँ से हिला हुआ था, बिल्कुल काम ही नहीं किया। और हम लोगों ने बनाया कि इतना सारा बेकार कर दिया। और आज इन्होंने बहुत सारा काम किया है और काम वाली बाई बन गई थी आज। ये देखो आप तो एकदम बढ़िया तैयार हो के वगैरह, एकदम इंस्टा की रील वगैरह बना के एकदम बेहतरीन तरीके से। इनके इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं अगर इनकी वीडियोस देखनी है तो, बहुत सारी इनकी वीडियोस हैं इंस्टा पे। और सुबह बना था बैगन का भरता जो कि मेरा फेवरेट है, बहुत ज्यादा मोस्ट फेवरेट है मेरा। और अपने भी तो बता दो सुबह से सो ही रहे हो तुम, खास कर क्या का। हाँ यार सुबह से पता नहीं क्या हो गया मेरा, सर दर्द हो रहा है। सर को भी पता है क्या छुट्टी है सर की। सर को भी पता है कि आज सर की छुट्टी है। वाह कौन सा अलंकार लगाया इसने, ये है अनुप्रास अलंकार, कनक कनक के सगुनी माता का अधिकार। यस, तो आज जो भरते के साथ चावल बना था और उसके साथ जो चावल बचा हुआ था और उसको अब कर रही हैं फ्राई, तो बन जाएगा फ्राइड राइस ना। आज ये 2-3 महीने बाद जो है ना, ये 2-3 महीने के ज्यादा ही हो गए बैगन भरता बने ना, बहुत दिन हो गए बैगन भरता बने। 2-3 महीने मुझे लगता है कि 2022 में बना ही नहीं है। ले ओ, पा। अब क्या होगा, आई हो अब का हुई, आई हो अब का हुई। पहले वो बोलता था, पहले क्या क्या बोलता, आई हो और एक वो पहली बार। मैं जब पता है डिप्लोमा में जब रहता था ना, डिप्लोमा में जब था तो मेरे साथ बहुत सारे जो हॉस्टल में मतलब कि 80% जो फ्रेंड थे ना वो सब बिहार के थे, तो मेरा जो एक्सेंट था ना बिहारी हो गया थोड़ा। मैं वैसे ही बोलने लग गया था। फिर उसके बाद 3 साल में वहाँ रहा, ग्रेटर नोएडा में रहा, तो वो फिर वो वाला हो गया था कि एकदम से वाला, अब सीतापुर वाला हो गया, अब सीतापुर वाला हो गया है। बह गई किताब बह गई और इंघे आवा उंघे। और वो क्या बोलता, पैसा ढील दो, पैसा ढील दो। बहुत सारी चीजें ना जब सीतापुर की, अब तो सीतापुर में लगभग 6 साल हो गए तो काफी चीजें याद आ गई, हो गई हैं। 6 साल नहीं भाई, 5 साल हुए हैं, 5.5 साल। ये बन चुका है हमारा फ्राइड राइस। मैंने इसमें बिल्कुल हल्दी वल्दी डाली क्योंकि इनको ऐसा सादा सादा, मुझे सादा सादा बहुत पसंद है। इसमें जीरा प्याज सब कुछ देखो, मुंह पानी आ रहा है, खाना नहीं पक पक। तो हम लोगों ने खाना वाना खा लिया था और रात हो गई है और अब फाइनली खाया गया है आम और उसके बाद हम लोग सो जाएंगे। आम, आम की बात हम क्या ही बताएं, कुछ शब्द नहीं है मेरे पास आम को बताने के लिए। पता है आपको, मतलब आम इतना ज्यादा टेस्टी लग रहा है क्योंकि फ्रिज में रखा था और हमारे फ्रिज ज्यादा खुलती नहीं है तो ना इसमें एकदम बर्फ जमी हुई थी, जब मैंने छीला एकदम टाइट था आइसक्रीम जैसा। अभी जब खा रहे हैं जीभ ऐसा लग रहा है एकदम जम गई है, आपसे बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है टंग स्लिप होता है, ऐसे लग रहा है एकदम। बहुत मीठा,
मतलब आम मेरा इतना ज्यादा मोस्ट फेवरेट फल है कि मतलब आम मिले कुछ ना मिले तो मैं चल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। फलों में मतलब सबसे नंबर वन आम, उसके बाद केला, उसके बाद सेब वगैरह सब कुछ, पपीता भी है बढ़िया। लेकिन आम को मैं इसलिए मिस करता हूँ ना, जैसे कभी होता है ना कि कभी फॉरेन जाना कि वहाँ जाके नौकरी करते, बीटेक कर लिया था तो मैं सब ज़्यादा सोचता था कि वहाँ चले जाएंगे तो सब कुछ बन सकता है, लेकिन आम कैसे मिलेगा। इसीलिए बैंक में जॉब कर रहे हैं। इसीलिए बैंक में जॉब कर रहे हैं और बैंक में बढ़िया सीतापुर में है, तो सीतापुर में आम तो इफरात है, एकदम से लाइन लगी रहती है आम की। जहाँ है हम, हमारे यहाँ बैंक है, जस्ट बगल में आम का बाग है। तो बात है, तुम्हें बात है, बहुत सारा आम खाऊ, एक प्लेट लाए थे खत्म हो गया, इत्ता बचा, इत्ता इत्ता इत्तू सा बचा है, ये खाएंगे हम। तो अपने आज के संडे वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको, हमारा डेली संडे का जो रूटीन था अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जरूर से जरूर, ताकि वो भी देख सके ना हमारी मस्ती कैसी है। और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।